चिकबम। जैसे मैं कपिल शर्मा शो में गया, अक्षय कुमार के शो में हुआ, गिनीज बुक में नाम है मेरा, 19 फीट लेफ्ट साइड 19 फीट। तो जय बाबरी साहब, आज हम पहुंचे हैं रामदेवरा बल्ला फाउंडेशन ट्रस्ट हीरा लाल जी के पास, और जो हीरा लाल जी है वो बल्ला फाउंडेशन ट्रस्ट के व्यवस्थापक है। तो नमस्कार हीरा लाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आपका जो ट्रस्ट है बल्ला फाउंडेशन ट्रस्ट, ये कितने सालों से चल रहा है? ये ट्रस्ट कम से कम 45 सालों से ये सेवा कार्य कर रहा है। अच्छा, 45 सालों से आप लगातार सेवाएं दे रहे हैं। तो इसके साथ ही एक जो बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के जो मूंछ किंग के नाम से जाने जाने वाले हमारे साथ में। नमस्कार। नमस्कार। तो आप अपना परिचय खुद दीजिए। मेरा नाम कीर्तन व्यास, मूंछ किंग से प्रसिद्ध बीकानेर का रहने वाला हूँ। मूंछ की जो लेंथ है राइट साइड 19 फीट, लेफ्ट साइड 19 फीट, मतलब 1938 फुट हो गई। इससे मैं पानी की बाल्टी 14-14 किले की उठा लेता हूँ। मैं 2 टंकियाँ साथ में खाली भी उठा लेता हूँ, सिलेंडर की। अपनी जी जी। और पानी से भर के कुंडी के अंदर से मैं बाल्टी खींच लेता हूँ उस मूंछों से जी। तो देख सकते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे राजस्थान के अंदर है और बीकानेर में, और सिर्फ राजस्थानी पूरे उन्होंने विदेशों तक की यात्रा की है सिर्फ अपनी मूंछों के बल पर, और एक राजस्थानी होने का एक बहुत बड़ा परिचय दिया है कि भाई राजस्थानी किसी से कम नहीं होते हैं। और मूंछों की जो बदौलत है हमारे पूरे राजस्थान, हमारे पूरे प्रदेश की इन्होंने शान को बढ़ाया है विदेशों तक। तो आप कहाँ कहाँ किस किस जो देश में गए हैं एक बार ये भी बताएं। फिल्मी दुनिया के हीरो से मिला हूँ, और वैसे मंत्री महोदय ले लो, जैसे हमारे राजस्थान के मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनसे तो मिलता ही रहता हूँ। एक चीज और, आपको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है किसी भी? मेरा गिनीज बुक में नाम है, मेरा गिनीज बुक में नाम है, ठीक है। और जैसे भारत रत्न वगैरह, उनमें आपका नाम शामिल करने को लेकर कोई? देखो उसमें सब आ जाते हैं जी। हाँ, वैसे तो है, सब आ जाते हैं, जहाँ भी जाता हूँ मेरी रिस्पेक्ट होती है, ये इससे ज्यादा क्या रिस्पेक्ट होगी सर। बिल्कुल। तो बस हम यही कहेंगे साथियों की इस तरह के टैलेंट, इस तरह के जो चीज है वो हमारे राजस्थान से बाहर भी जानी चाहिए, और इन लोगों को और आगे प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि हमारे राजस्थान की संस्कृति और हमारे राजस्थान की जो तमाम जो धरोहर है उन चीजों को जो कि हम और आगे बढ़ चढ़ कर ले सकें। तो इसके साथ में जी हाँ, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि भादवे के अंदर जैसे ये रामदेवरा का मेला चलता है, इसमें दस्युओं के दिनों में 11-11 किलो मुट्टी भी छंटती है, कोई जमाने में इससे ज्यादा भी थी, तो भांग उठती है, और 12-13 दिन खाना चलता है कंटिन्यू जी। एडवोकेट साहब की तरह वो सब है, इनकी व्यवस्था है सारी, और ऊपर रूम जो मिलते हैं किसी के पास कोई किराया नहीं है, सब आराम से रहो। अब रजई प्रसन्न वो तो आपको लाना पड़ेगा, किराए से लाना पड़ेगा, बाकी नहाने की धोने की सब तो व्यवस्था है। बीकानेर से हो प्रॉपर? मैं बीकानेर का प्रॉपर हूँ, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ड्राइवर था, मैं रिटायरमेंट हो गया 2019 को जी। तो साथियों, जितने भी अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक इस तरह की जानकारी, महत्वपूर्ण चीजें पहुंचे। और इसके साथ में एक रिक्वेस्ट और, अगर आप लोग रामदेवरा आते हैं रावला गरसाना अनूपगढ़ गंगानगर से या फिर किसी भी कोने से, तो आप एक बार भल्ला फाउंडेशन ट्रस्ट के अंदर जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी है, और आपको खाने के लिए भी, और भंडारा है जो बाबा का वो भी यहाँ पे चलता रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जय बाबरी कमिट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Chicka bum, chicka bum.